हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहिए। आपको कैश डालना है या निकालना है? ये क्या है? देखिए ना जरा। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। ये शीतल जी। शीतल, शीतल क्या हुआ तुम्हें? शीतल जी, शीतल आपने क्या किया इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया। मैडम, सर देखिए क्या हो गया यहाँ पे, सब लोग गिर रहे हैं। अरे पायल, शीतल जी, सुरेश जी, हेलो, अरे क्या हो गया इनको? एक मिनट। हेलो, काम हो गया, जल्दी आओ। हेलो, हाउ यू आर? आई एम फाइन, थैंक यू। समझ तो गए होंगे ना आप लोग। बोलने की जरूरत है क्या? ये क्या तमाशा है? देखो तुम हीरो है तू, एक शब्द भी बोला ना तूने, इधर ही ढेर कर दूंगा तुझे। हाँ हाँ बाबा, बैंक से पैसे निकलवा कर सीधा घर ही वापस जाऊंगी। ओ डार्लिंग, तुम ना बहुत टेंशन लेते हो मेरी। अब चल, खड़े हो जाओ। अगर किसी ने चूप ही की ना, भेजा उड़ा दूंगा उसका। बैंक में मुझे क्या होने वाला है? तुम्हारा बस चले ना, तुम सारा दिन मुझे बेड से नीचे ही ना उतरने दो। मोबाइल बंद, कोई कॉल नहीं करेगा। हाँ, किसी ने मोबाइल का बटन दबाया, मैंने ये दबाया। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? काम करो, वॉक करो, और तुम हो कि रियली यू आर वेरी क्रेजी। चलो अब मुझे रूट क्रॉस करनी है, घर पहुंच के बात करूंगी। बाय। तेरे पापा भी ना बहुत डराते हैं। रोड है, ध्यान से चलना, बैंक में थोड़ी देर बैठ जाना, सारा दिन मेरा ख्याल रखते रहते हैं बस। हम लोग भी ना जल्दी से बैंक का काम निपटा के ना जल्दी से घर वापस चले जाएंगे।
हे भगवान, ये सब क्या? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सांस चल रही है, लगता है सब बेहोश पड़े हैं। मैनेजर साहब, लगता है पुलिस को फोन करना पड़ेगा। नीचे 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 को क्या क्या है, क्या कर रहा है? पुलिस को फोन कर देगी तो खेल खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, अभी निकल जाएगी, प्रेग्नेंट है वो। बिजी 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 बता रहा है बस। जितना दिमाग है उतना ही इस्तेमाल करना। चल नीचे नीचे, जब कुछ बोलूंगा तभी कुछ करना, उसके बिना कुछ नहीं, समझे? यहाँ फोन क्यों नहीं लग रहा? लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। चल नीचे नीचे, मना किया ना मैंने तेरे को? चली गई वो। तू दिमाग से पैदल है क्या अंगद? उस औरत को मार देते तो सारी मुसीबत खत्म हो जाती। अब वो जाके पुलिस को इन्फॉर्म करेगी और हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अभी भी वो बाहर है, मैं उसे खत्म कर देता हूं। इस ग्रुप का लीडर मैं हूं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई यहां से नहीं जाएगा बाहर, समझा? अरे भाड़ में गई तेरी लीडरगिरी। उस औरत को मारना बहुत जरूरी है, बात को समझने की कोशिश कर। देख, अब वो पुलिस से बात कर रही है। पुलिस चौकी पास में है, 5 मिनट में पुलिस यहां पर आ जाएगी, समझा? सामान इकट्ठा करो और यहां से निकलो, समझे? चिंटू सही कह रहा, ऐसा ना हो कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा ना, समझा? निकलते। अंगद सोच मत, निकल यहां से। बात बताइए, जब आप बैंक के अंदर आए तो क्या आपने किसी को देखा नहीं? देखा ना सर, इन सब को, सारा स्टाफ ऐसे ही बेहोश पड़ा हुआ था। नहीं नहीं, मैं स्टाफ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लुटेरों के बारे में बात कर रहा हूँ। सर उनमें से मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ। चल कोई बात नहीं, है तो बड़ी अजीब बात, सारा स्टाफ बेहोश है, लुटेरों ने दिन दहाड़े बैंक लूटी और भाग गए। अरे आप बैठिए ना, आपके लिए चाय कॉफी पानी वगैरह कुछ मंगवाऊं? सर किसी चीज की जरूरत नहीं, थैंक यू। बैठिए। थैंक यू सो मच सर। सर, सर अंदर से कैश गायब है। वो तो होना ही था, देखते हैं सीसीटीवी फुटेज में क्या मिलता है। सर। हाँ। सर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज गायब है, वो रिकॉर्डेड चिप लुटेरे अपने साथ ले गए हैं, और तो और वो कंट्रोल रूम का गार्ड भी बेहोश है। वाह, सीसीटीवी फुटेज गायब है, चिप लुटेरे लेकर गए, इसका एक ही मतलब है कि पूरे प्लानिंग के साथ बैंक को लूटा है। अच्छा सेफ डिपॉजिट लॉकर्स का क्या हाल है? सर पंकज गया चेक करने के लिए। वैसे सचिन, बैंक तो अभी अभी खुली थी, इसका मतलब है बैंक में कस्टमर्स होने चाहिए, लेकिन यहां तो सिर्फ स्टाफ मेंबर्स ही है। लेकिन सर बहुत सारे चेक डिपॉजिट किए गए। इसका मतलब है सचिन की कस्टमर्स थे यहां, अगर कस्टमर्स थे तो भी लोग गए तो गए कहां? बस इन सभी लोगों की आंखें एक ही तरह से चढ़ी हुई हैं,
लगता है जैसे सबको एक तरह का नशा हो गया हो। यार मगर सारंग है, इन सबके शरीर में ये जहर या जो भी दवाई है वो गई कैसे? वही तो। हाँ सर, यही बात तो समझ में नहीं आ रही, ऐसा केस तो पहली बार देखा है। सभी के सभी एक ही वक्त पर बेहोश कैसे होते हैं सभी के सभी? सर हो सकता है इन सब ने कोई ऐसी चीज खाई हो या पी हो जिसमें बेहोशी की दवा मिला दी गई हो। सर कहीं ये गैस का असर तो नहीं? नहीं सचिन, गैस नहीं हो सकती। अगर गैस होती तो अभी भी हम लोगों को गैस की स्मेल आती, तो फिर अमृता जी भी तो बेहोश होती। सर वॉल्ट लॉक है मगर अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। वॉल्ट के अंदर से आवाजें आ रही हैं? हाँ सर। वॉल्ट की चाबी ढूंढो। सब कुछ साफ कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, मगर भूल गए कि दूसरी तरफ सीआईडी है। भूल गए कि दूसरी तरफ सीआईडी है। बहुत बड़ा खतरा मोल लिया इन लुटेरों ने। तो बैंक लूटने वाले तीन लोग थे? तीन लोग? हाँ सर, तीन लोग थे। अच्छा, उन तीनों का चेहरा तुमने करीब से देखा था? जी सर। मतलब उन तीनों ने नकाब नहीं पहना था, तो तुम उन्हें पहचान सकते हो, है ना? बहुत आसानी से सर। सर इसका मतलब उन्हें पहचाने जाने का डर नहीं था। आकार बताओ, क्या था उस चिट्ठी में जिसे पढ़कर शीतल बेहोश हो गई? कुछ नहीं सर। मैंने पूछा क्या था उस चिट्ठी में? सर मैंने उससे सिर्फ पिक्चर जाने के लिए पूछा था सर। हाँ सर ये सच बोल रहा है। कहाँ है वो चिट्ठी? कैबिन में। जाओ लेकर। सारंग के एक बात बताइए, क्या खाया था आप लोगों ने आज सुबह? सर हम सब ने सुबह पेड़े खाए थे। पेड़े खाए थे? अच्छा, क्या आप सब ने पेड़े खाए थे? जी सर। और किस खुशी में? जरा हमें भी बताइए। सर वो हमारी कैंटीन में एक मनोहर काम करता है और उसे बेटी हुई है, तो उसने इस खुशी में हम सबका मुंह मीठा करवाया था। अच्छा पंकज, मनोहर को लेकर आओ। देखो पेड़े बचे होंगे, वो भी लेकर आओ, खाओ मत। इस चिट्ठी में तो कुछ भी नहीं है। मनोहर, मनोहर यही था? आई रहता है। ओह नो, जिंदा है?
एक्सक्यूज मी, अड़ी अड़ी सर, सर मनोहर बेहोश है और पेड़ भी बिखरे हुए हैं। पेड़े बिखरे हुए हैं, मनोहर बेहोश है, क्या मनोहर ने पेड़े खाए या नाटक कर रहा है बेहोश होने का? उनके काम कर, पेड़े चेक कर, देख उसके अंदर कुछ है क्या। मनोहर पेड़े। सर हाँ, एक बात बहुत खटक रही है। क्या? कस्टमर्स के मुताबिक लुटेरे इस बैंक में 10:15 पे आए थे और ये पूरा वक्त अमृता जी उस मेन डोर के बाहर ही थी, तो ये लुटेरे गए तो गए किस रास्ते से? किसी और रास्ते से श्रेया, किसी और रास्ते से भागे हैं, वो ढूंढना पड़ेगा वो रास्ता कौन सा है। बैंक के पीछे वाला रास्ता यही है, यही से भागे होंगे वो लोग। और सर उन्हें भागते हुए किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा। हाँ। और तो और सर, वो पैदल तो भागे नहीं होंगे। हाँ, गाड़ी जरूर होगी, कोई ना कोई तो उनका आदमी यहाँ पर होना ही चाहिए था उन्हें मदद करने के लिए। देखते स्पान वाले से पूछते। सुनो भैया, सुनने सुनाने का टाइम नहीं है भाई, देख नहीं रहे हो मैं काम कर रहा हूँ? हम लोग सीआईडी से। सर मेरे पास सब कुछ है, लाइसेंस है, मेरे सारे पेपर है और टाइम पे दुकान खोलता हूँ और टाइम पे ही बंद करता हूँ। ज्यादा बात मत करना, बस पूछे हुए सवालों का जवाब दो, समझे? जी सर। तो बताओ, आज सुबह 10:30 के आसपास क्या तुमने 3 लोगों को यहाँ से भागते हुए देखा? 3 लोग? हाँ साहब, हाँ 3 लोगों को देखा था साहब मैंने। अरे चल ठीक है ना यार, नो पार्किंग में पार्क किया तो क्या हुआ, पैसे तुझे दे रहा हूँ ना मैं। चल चौकी पे आके ले जा गाड़ी। अरे साहब मेरी बात तो सुनो ना यार, गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो आप? जो भी पैसा ले लो, गाड़ी लेकर चले गए। क्या हुआ भाई? वो टो करके लेकर गया भाई। तेरे को बोला था गाड़ी में रहने का भाई, 2 मिनट के लिए बस गया था मैं। रॉकी एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता, समझ में नहीं आता तुझे? हाँ अब क्या करे, कोई टैक्सी ऑटो रिक्शा वगैरह रोको। चलो चलो चलो, अरे रोक ना, सुन 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 सुन, वो जो पसा रही ना उसमें चल, उसमें चल, बाकी का बाद में देखते हैं। चल 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 जल्दी कर, चल राकेश। वो बैंक रॉबर्स बस में भाग गए सर, इसका मतलब उन्होंने उस बस को हाईजैक कर लिया है। और सर बस में जितने भी पैसेंजर्स बैठे होंगे उनका भी अपहरण हो गया। बेचारे मासूम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। एक बात बताओ भैया, क्या तुमने उस बस का नंबर नोट किया, कौन सा रूट था, क्या था? नहीं साहब, मैंने बस का नंबर नहीं देखा। अरे यार रोज जाने वाली बस आई यहाँ से? नहीं साहब। हाँ पंकज, क्या? ओके थैंक्स सर। हाँ। डॉक्टर सालुंखे के मुताबिक बैंक में लोगों ने जो पेड़े खाए थे उसमें नीम की दवा मिला दी गई थी। That's it! नीम की दवा मिलाई थी पेड़ों में। पूरा पूरा प्लान बनाया था बैंक लूटने का। पहले बैंक के स्टाफ को बेहोश किया, फिर बैंक लूटी, फिर पैसा लेकर भागे, अपनी गाड़ी में भागने वाले थे मगर ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी टो कर ली तो BST बस में चढ़े, BST बस को हाईजैक किया। पता लगाना पड़ेगा कौन सी बस थी, कौन सी बस थी, कौन सा रूट था। और ट्रैफिक पुलिस से ये भी पता लगाना पड़ेगा लुटेरों के गाड़ी के बारे में जो उन्होंने टो की है। टिकट 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 टिकट। मलाड जाएगी? अरे नंबर देख के चढ़ने का मैम, लो दो। इतना साफ साफ नंबर लिख के रखा, आप लोग देखता ही नहीं।
अरे इंग्लिश हिंदी सब में लिख के रखा है। टिकेट 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 टिकेट। एक टिकेट देना। ओ मैडम किधर जाने का? मलाड चिंचोली बंदर। ये क्या मैडम, 100 रुपये का नोट, छुट्टा तो 8 रुपया। अरे छुट्टा होता तो नोट क्यों देती? वो मेरे को क्या मालूम, मैं अभी किधर जाएगा? और मैं किससे मांगू, ये बस वालों से मांगू? इतना बड़ा थैला लेके चलता है, इसमें 100-200 का छुट्टा नहीं रखता है। चल ले टिकट दे। क्या मैडम आप कितना बात करता है, दिमाग खाता है। लो दो, देखो आज मैं आपको दे दे रहा हूँ, लेकिन कल से अगर छुट्टा लेकर आप नहीं चढ़ेगा ना, मैं आपको टिकट नहीं देगा। मैं देखूंगी कैसे छुट्टा नहीं देता है, तू कैसे टिकट नहीं देता, मैं भी देखूंगी कल, समझा? ए हीरो, पिस्टन बाजी काय को कर रहा है? इधर से चढ़ना अलाउ नहीं, पता नहीं क्या? ज्यादा बात करना नहीं, नहीं तो साले भेजे में गोली उतार दूंगा। सीधा बस चला, चल 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 चल। एकदम चुप, चलो आगे बढ़ो। अबे चल आगे बढ़, चल चल आगे, चल चल। एक्सक्यूज मी, हेलो हाउ यू आर? आई एम फाइन थैंक यू। नो स्केयर्ड नो किलिंग ओके? ए मिस्टर फाइन, गन अंदर रख लो नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। और बस स्टॉप में चढ़ने में शर्म लगता है? क्या देखेगा? अरे चुप, बैठ बैठ, चुपचाप यही बैठने का, नहीं तो टपका दूंगा, समझा? बैठा रहे ना बेटा, नहीं तो बच्चों को संभालने के लिए बीवी अकेली रह जाएगी। चल बे तू चलाता रहे। अटेंशन अटेंशन, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को कुछ नहीं करेंगे, बस एक ही कंडीशन है, आवाज नहीं करने का, चुपचाप बैठने का और कोई बदमाशी नहीं करने का। मुझे आवाज करने वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते नहीं है, हाँ समझे? चल चलाता रह तू। ए इस हालत में सबका मोबाइल छीन लेना चाहिए तुम्हें, बताना पड़ेगा। हाँ सबसे पहले सबका मोबाइल छीन और बंद कर, जल्दी जल्दी ले वो आंटी का सबसे पहले छीन। चलो चलो चलो, मोबाइल निकाल, ये ले पकड़, उधर से लो उधर से। चलो चलो चलो, घूर क्या रहा है? हाँ आंखें निकाल दूंगा। ए मिस्टर, अपनी दादागिरी बंद करो और चुपचाप बस से नीचे उतरो, हम तुम्हारी गुंडागिरी चलने नहीं देंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, तुम पहले इसको नीचे उतारो। ड्राइवर गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेके चलो। क्या नीचे उतरो। अरे तुम लोग क्या करते हो, उसको मार दिया तुम लोग? जीडी रोड पे धनवर्षा बैंक में जो बैंक डकैती हुई है, लुटेरे वहां से निकले और सामने एक बस पे चढ़ गए। 10:30 से 11:45 के बीच कौन कौन सी बसें जाती हैं वहां से? सर 10:30 और 11:45 के बीच में यहां से 5 बसें निकलती हैं सर, जिनके नंबर है 311, 312, 314, 318, 321। ये सर एक ही साथ निकली हैं एक ही रूट पे सर। सर इसका मतलब हमें जिस बस की तलाश है वो इनमें से कोई एक है। आपके टाइम टेबल के हिसाब से 10:30 से 11:45 के बीच एग्जैक्टली कौन सी बस जाती है वहां से? सर 5 बसें एक ही रूट से निकली हैं और एक ही डायरेक्शन में सर। सारे बसेस के ड्राइवर कंडक्टर को पहचानते होंगे ना? सर कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सर। मुझे सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी सर। राजेश। जी सर। 5 बसे के कंडक्टर और ड्राइवर के नंबर और नाम लेके अभी आओ। जी सर। जल्दी। हाँ हेलो, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। जीडी बस रूट से जितनी भी बसेस गई है उनका मुझे डिटेल चाहिए। 311, 312, 314, 318, 321 ड्राइवर और कंडक्टर के डिटेल्स मुझे चाहिए।
21-42-612. भाई सबको फोन लगाओ जरा। 314 मैं देखता हूँ, 321, 318, 312। जी सर। सर कंडक्टर से बात होगी, बस सेफ है सर। 312 सर, 312 की कंडक्टर से बात होगी, बस सेफ है। सर 321 के कंडक्टर का फोन नहीं लग रहा सर। ड्राइवर को लगा। हेलो, इस समय कहाँ हैं आप लोग? नहीं, मैं CID इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। 321 के ड्राइवर का फोन बंद आ रहा है सर। 321 यही बस हाईजैक हुई है। 321 पता करो, 321 नंबर बस अगले बस स्टॉप पे पहुंची है कि नहीं। ओके सर। हेलो जी सर, सर मैं आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, 321 नंबर बस इस रूट से गुजरी ही नहीं है। ठीक है सर, जैसे ही कुछ दिखेगा मैं बताता हूँ सर आपको। जी सर मैं देख रहा हूँ सर। सर 321 नंबर बस अगले स्टॉप पे अभी तक नहीं पहुँचे सर। कितना टाइम लगता है GD रोड से उस स्टॉप पे पहुँचने में? सर ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। 70 मिनट से ज्यादा हो गए। सर अगर बस खराब होती तो इन्हें मैसेज आ जाता। जी सर, बस खराब होने का मैसेज नहीं आया है, बस अगले स्टॉप पे पहुंची नहीं है। ड्राइवर और कंडक्टर के फोन स्विच ऑफ है, इसका मतलब है कि बस उस रूट पे नहीं है। उस बस में GPS सिस्टम है? सर GPS सिस्टम लगा तो रहा है लेकिन उस बस में नहीं है सर। सर 321 की बस अगर अपने रूट पे नहीं है तो जरूर किसी ना किसी और रूट पे होगी। हमको जल्दी से जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है, इतने सारे मासूम लोगों की जान खतरे में है। सर मगर कैसे पता लगाएंगे, हमारे शहर में 5,000 के ऊपर BST बसेस है। नेटवर्क? हाँ पंकज, नेटवर्क। 5,000 बसेस के ड्राइवर कंडक्टर को सावधान कर दिया जाए तो पता लगाना मुश्किल नहीं है। सुनिए, आपके जितने भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं सबको इन्फॉर्म करिए कि हाईजैक बस नंबर 321 जहां कहीं भी दिखाई दे फौरन कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करें। हाँ हेलो, कहीं नंबर बस हाईजैक नहीं? ठीक है बाबू। अरे भाऊ आपला प्रकाश 321 नंबरची बस तरी कोणतरी किडनॅप केली वाटते। काय म्हणतोयस, ऐसा कसं हो गया? अरे हो प्रवासी सुद्धा यामध्ये होते। मला वाटतंय काहीतरी लफडा झालेला आहे। अरे जरा लक्ष दे तिकडे। ठीक आहे ठीक आहे, मैं देखता हूँ आसपास 321 नंबर का बस दिखता है क्या। लक्ष दे बाबा, तिकीट तिकीट पण बाकी तिकीट। बॉस फोन क्यों नहीं उठा रहा, सो गया क्या? अरे भाई जाना किधर है, ये गाड़ी का डीजल खत्म हो रहा है, कहीं भी खड़ी हो जाएगी फिर। अबे ओ चुपचाप गाड़ी चलाते रहे, जब कुछ होगा तो बोलूंगा मैं। आप ऐसा कैसे बोलते हैं? आप थोड़ा सोचो ना, इधर मानुष का कितना खून निकल रहा है, उसको किसी डॉक्टर के पास इलाज के वास्ते लेके जाना पड़ेगा ना। अपने को इंसानियत के नाते कुछ तो सोचना चाहिए ना। अबे ओ इंसानियत, तुझे भी लेटना है इसकी तरह, सारी इंसानियत दरी की दरी रह जाएगी। बॉस आप फोन ही नहीं, बहुत गड़बड़ हो गई है बॉस, सब 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 उल्टा पुल्टा हो गया। नहीं नहीं नहीं, बैंक से पैसे निकाले, सारा माल रख लिया हम लोगों ने, लेकिन जब माल निकाल के बाहर पहुंचे तो टोइंग वाले हमारी गाड़ी लेके निकल गए थे। तो आप दिमाग का इस्तेमाल किया ना भाई, हम लोग को BSC की एक बस जा रही थी उसमें चढ़ गए सारे के सारे लोग।
नहीं नहीं सब सेफ है और माल भी मेरे पास है। अभी आप ये बताओ कि करना क्या है, कहाँ आना है, इन सब जगहों से कैसे निकले हम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अहमदाबाद हाईवे सर, आप उसी गाड़ी की बात कर रहे हैं ना जो मलाड में धनवर्षा बैंक के सामने से टो हुई थी करीबन 10:30 के आसपास। हाँ बिल्कुल वही सर, मैंने ही टोकी थी उस गाड़ी को। कहाँ है गाड़ी? आइए देखते हैं। सर ये है वो गाड़ी। सचिन, श्रेया, पूजा, चेक करो गाड़ी को अच्छी तरह से। ये देखिए सर, गाड़ी के पेपर्स डैशबोर्ड में। ये किसी किरण की गाड़ी है, अंधेरी से। किरण? सर अच्छा सर ये देखिए। माय गॉड, इतनी सारी गन्स। इस किरण से मिलना पड़ेगा। किरण हेलो। हाँ बोला साहब। क्या बस नंबर 321 का अपहरण हो गया? हो साहब। हाँ हाँ मैं नजर रखता हूँ साहब। अरे इधर 321। अरे ये वही बस है जिसका अपहरण हुआ है। ए महेश, महेश बस जल्दी से खाली कर। काय झालं? अरे कुछ गुंडों ने बस का अपहरण कर लिया है। वो बस यही अभी अभी गुजरी, वो देख। चल लोकर लोकर खाली करा, चला लोकर लोकर चला लोकर 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 चला चला लोकर। बग 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 लोकर, तू पण उतर, तू अपने ध्यान रखना, मैं कंट्रोल रूम में फोन करता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम, सीधा नजर सामने से हटाना मत और गाड़ी मुझसे बिना पूछे घुमाना। बस हमारी बस का पीछा कर। ये पुलिस की चाल है, इन लोगों ने बस भेजी हमें रोकने के लिए। तू चलाता रहा, चल 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 चल। ये सब कुछ तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अगर तू बेवकूफी नहीं करता ना तो हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता। लफड़े में नहीं पड़ते हम लोग।
चल छोड़ ना यार, बाद में बात करेंगे इस बारे में। चल चल चल, चल पीछे संभाल। चल, चल। अरे प्रकाश गाड़ी रोक, प्रकाश गाड़ी थामो, प्रकाश गाड़ी थामो। अरे नहीं रोक सकता मैं बस। तुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है? काय झालाय? नहीं बता सकता। वैसे आप है कौन? सीआईडी इंस्पेक्टर दुष्यंत, ZX43B4221। सर ये तो मेरे ही गाड़ी का नंबर है। तो फिर बैंक का लूटा हुआ पैसा कहाँ है? बैंक से लूटा हुआ पैसा? हाँ कहाँ है? ये क्या कह रहे हैं आप सर? हवा में नहीं बोल रहा हूँ। जिन्होंने बैंक लूटा है वो तुम्हारी इसी गाड़ी में गए थे बैंक लूटने के लिए। बताइए जल्दी कहाँ है पैसा? मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये लड़का नालायक है, नालायक। कौन लड़का? किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा अंगद, वही ये कार ले गया था। मुझे पहले से अंदेशा था कि वो कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करेगा, जरूर करेगा। सिर्फ बैंक का पैसा ही नहीं लूटा किरण जी, बीएससी की बस भी हाईजैक की है। क्या ये आपका बेटा अंगद? फोन लगाइए अंगद को, कहिए उसे कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे। सर घंटी तो जा रही है मगर उठा नहीं रहा है। ये लो अंगद, फोन उठा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अंगद का फोन नंबर ले लो और ट्रेस करो उसका फोन। वो हमारे और बंद करना चाहते हो? ए चुप कर, मरने से अच्छा चुप रहो। वरुण, वरुण नहीं, वरुण मार दिया ना बेचारे को। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों मार रहे हैं बेचारे निर्दोष लोगों को? देखिए आप लोगों को सिटी के बाहर जाना है ना, आप चाहो तो हमको और ड्राइवर को रख लो ना। देखो टूर को बचा सकते थे। चुप बैठोगे तुम भी अपनी जान गंवा बैठोगे। आप लोगों को सिटी के बाहर जाना है ना, हम लोग पहुंचा देगा आपको। नेता बनेगा? नहीं मैं तो छोड़ने के लिए बोल रहा था। नेता बनेगा? हाँ नहीं, इन लोगों को छोड़। अबे साले रास्ते से मत नजर हटा, नेतागिरी करने का बहुत शौक है तुझे। नेता बनेगा तू? गिराऊ क्या तुझे? कुछ मत करना उसे, बचाओ मुझे। तुम सीआईडी से बच के नहीं जा पाओगे। ए पीछे हट, गिरा दूंगा इसको। ए पीछे हट, इसे छोड़ दो। ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये
रुक, गिरा, रुक, चल हट, पीछे हट, चल चल पीछे हट, ओके, एक, पीछे हट, एक, छोड़ दूँगा इसे, हट, हट, चल पीछे हट, रुको, छोड़ दो उसे, हम लोग पीछे हट जाते, हम लोग पीछे, बचाओ नहीं उठा रहा बॉ, क्या करूं? मुझे पता था यही होगा, हमें फंसाकर खुद भाग गया है। अब सीआईडी हम लोगों के पीछे। ए, रुक, रुक, रुक। क्या हुआ? देख जाल बिछा दिया है। चल इधर, हटा इसको रास्ते से। चल चल चल, खाली कर जल्दी। चल रास्ते से हटा। चल जल्दी उठा। चल चल जा, जल्दी कर। चल उठा। बस के बाहर तो आ गए, यहाँ से भाग निकले क्या? पागल हो गए हो क्या? हम भागे तो वो बस के सारे पैसेंजर को मार डालेगा। अरे मुझे बस के पैसेंजर्स की परवाह नहीं है, वो मेरे क्या लगते हैं यार। नहीं नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। जल्दी वापस आ, चल अंदर, चल 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 चल, चल अंदर, चल चल अंदर। ये एक काम गायब हो गया। सीआईडी वालों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एक काम कर, कंडक्टर को बाहर फेंक दे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।